अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल चाल। उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे और हमारी दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें और इसी तरह हमें अपना प्यार दिखाते रहें। बिल्कुल जी, मेरा नाम मुअज्जम अली, मैं हूं तारिक महमूद, मैं मोहम्मद यूसुफ। तो आज हम जिस वीडियो पर रिएक्ट करने जा रहे हैं, वीडियो का टाइटल है अ स्पेशल वीडियो फॉर WAG-12B लवर्स विद हाई स्पीड डबल स्टैक कंटेनर ट्रेन। क्या बात है, बहुत अच्छा पढ़ता रहा। तो ये देखते हैं डबल डेकर जो ट्रेनें चली हैं इंडिया में, तो देखते हैं वीडियो और अपना रिव्यू पर देंगे। कौन करते हैं 3-2-1 वीडियो स्टार्ट। आहा, क्या बात है, यहाँ पे सिंगल नहीं चलती, डबल चल रही है इंडिया में। करंट हासिल करता है, ऊपर तार ही है।
अच्छा इसकी एनर्जी वहां से आ रही है। आज इसका चेस्ट कर रहे हैं पाकिस्तान जैसा हालत था ना भाई साहब, बिजली चली जानी थी और ये ट्रेन यहीं पे खड़ी रहती शाम सोता इधर ही हो जाता 24 घंटे तक इधर जी। वीडियो खत्म हो गया भाई साहब। ये ना पहले तो मैं सोच रहा था कि ये पाकिस्तान जैसा हालत होता इंडिया में। अच्छा अच्छा, तो ये जो पाकिस्तान पर आ गया ये बात तो आ जाती है भाई साहब। बिजली का पाकिस्तान हमारा महकमे खत्म हो चुका है, हमारे पास बिजली होती तो हम भी चला लेते। हाँ ये भी हमें तो इधर ये भी धमकी मिल जाती है भाई साहब, 2 हफ्ते का पेट्रोल रह गया है रेलवे के लिए। क्या मिल जाती उधर तो वो भी नहीं दे सकते। देखिए जी पाकिस्तान में ट्रेनें बिल्कुल नहीं चलती और टिकट हमारे जो है वो 24 करोड़ भी की जाते हैं। वो बोला था ना दूसरा रेलवे मिनिस्टर कह रहे 24-25 करोड़ कह रहा था टिकट बेच भी डाली, पता नहीं किसको बेची उसने। इतनी तो पॉपुलेशन नहीं है पाकिस्तान की जितनी, वो टिकट बेच देती है। इतनी ट्रेनें चलती हैं पाकिस्तान में दिन पर 24 करोड़ अपराध सफर। पिछले दिन ना वो मेरे भाई ना वो गई थी उधर, वो किराए बढ़ गए थे तो उसने बोला चलो इस मरतबा ना ट्रेन के ऊपर ही चले जाते हैं जी। वो तकरीबन 10-20 मिनट थोड़ा सा लेट हो गए, मतलब ट्रेन आने में निकल जाने से 20 मिनट पहले उन्होंने भाई साहब टिकटें बंद कर दी। उन्होंने बोला भाई साहब आप ट्रेन के अंदर से लेंगे, और ट्रेन के अंदर से जब लेगी तो भाई साहब 100 की जो वो 130-140 रुपए की मिल रही थी, करप्शन कर रहे थे। हालांकि टाइम था उसे टिकट दे सकते थे लेकिन उन्होंने पहले बंद कर दी, इनकी मजबूरी है अंदर से ले भी अंदर से। और स्टेशन भी जो मेन है ना, मतलब कि 3-4 स्टेशन छोड़कर उस पर वो रुकती थी, छोटे मोटे स्टेशनों के ऊपर भी नहीं रुकती थी। तो ये थी मालगाड़ियों वाली ट्रेन। तो अभी जो है एक मैंने वीडियो देखी थी कि वहाँ अभी जो है ना, एक तो पहले जो सिस्टम है कि जो पैसेंजर ट्रेन होती हैं वो पटरियां जो होती हैं वो इस्तेमाल की जाती है मालगाड़ी के लिए, तो अभी जो है वो अलहदा से भी पटरी बनाई जा रही है ताकि जो पैसेंजर ट्रेन उसको कोई फर्क ना पड़े। और ये अभी जो ट्रैक है अभी उसकी जो बनाएंगे डबल डेकर जहाँ पे चलेंगे तो साफ जाहिर है वहाँ की जो पटरी होगी उसमें ज्यादा मजबूती होगी।
आपने शायद काउंट नहीं किया, मैंने किया 45 उसके पीछे बोगियां लगी हुई थी, 45 कंटेनर यानी कि 90 टोटल। खाली कंटेनरों का बहुत वजन होता रहा, जब इसके अंदर लोड होगा और एक ही लोकोमोटिव खींचता जा रहा था यार, मजबूत है इतना लोड, डबल इंजन है, डबल 90 कंटेनर को खींच कर और स्पीड भी अच्छी खासी थी, बहुत स्पीड थी, वो तो कैमरे से स्लो करके दिखाते नहीं, ये असल में ये जो मालगाड़ी की स्पीड स्लो ये थी, नहीं उनकी निस्बत इतनी भी स्लो तो नहीं है ना, इनकी 40-45 किलोमीटर, 60 तक भी इतना हर्ज नहीं है, 60 तक नहीं होगी, 40-45 किलोमीटर होगी, लेकिन इतना लोड इसका इतनी स्पीड भी बहुत ज्यादा है, ज्यादा वैसा ये हैवी लोड दे रहा है, जेब से देखो ना कम खर्चे के ऊपर वो जो डबल है वही ना, एक खर्चे के एक खर्चे में डबल चल रहा है ना, तो अलग से बोगी लगाने की कोई जरूरत नहीं, वो सिर्फ कंटेनर ऊपर फिट करना है और उसी से में चला जाएगा, और जगह भी ज्यादा नहीं घेरनी, ऊपर नीचे करके चला जाएगा, और जो गाड़ी तो वैसे भी चल रही है, थोड़ा सा ज्यादा लोड ज्यादा हो जाता है तो फिर भी वो पटड़ी का एक लेवल है उसमें एक इंजन भाई मजबूत है बहुत, मतलब शुरू में खिंचाई में थोड़ी सी दिक्कत होती है, लेकिन एक मतलब जब पहिया चल जाता है ना फिर वो आसानी हो जाती है, एक ही खर्चे में भाई डबल काम यार। मैं तो तारक भाई रहना हैरान हूँ, जो ट्रेन इलेक्ट्रिक है, चाल जो बनाया है ना, खंभे जो खर्चा एक मरतबा कर लिया पहले से, और एक और बात, ट्रेन की पटरी जो थी वो चार चार पांच पांच भी थी, हमारे यहाँ तो ना एक ही पटरी होती है, फिर ये हमारे यहाँ ले आते हैं, मैं कहता हूँ हमारे यहाँ रेलवे का महकमा ही नहीं है यार, क्रॉसिंग करने के लिए स्टेशन के ऊपर रोक लेते हैं, वैसा भी इधर क्रॉसिंग करवाते हैं, फिर आगे एक ही ट्रेन, एक मैं वीडियो देख रहा था इंडिया की वीडियो देख, हरियाणा का शब्द नहीं, हरियाणा का शब्द नहीं, मनीष कश्यप की वीडियो देख रहा था, वो मेरे ख्याल में बिहार में ना किसी ने ट्रेल की पटड़ी उखाड़ के कोई ले कर गया था, तो गांव का बंदे पड़े और उन्होंने ट्रेल की पटड़ी उखाड़ के, तो ये यहाँ पे जो है ट्रैक जो है पाकिस्तान में भी ऐसा ही है, जहाँ पर जो ट्रेने बंद हो चुकी है कईयों ने उखाड़ दी है और कई आज भी मौजूद है, इसके जो बैरियर होते हैं ना तीसरी मरतबा कह रहा हूँ कि पाकिस्तान में रेलवे का महकमा नहीं है, फिर भी तुम लोग मानते नहीं, ऐसे ही बोल रहा था हमारे यहाँ ट्रेन है, वो भी नाकस निकली, यार इतने भी पीछे नहीं है, लेकिन एक बात है भाई साहब, जो इतने भी पीछे नहीं है, इतने ज्यादा पीछे हैं, जो फ्रेट ट्रेन होती है वो भी नहीं कर सकते, कमाई करती है, और जो दूसरी पैसेंजर ट्रेन है वो कमाई इतनी नहीं करती, वो खर्चे अपने पूरे कर ले वही बड़ी बात है, तो इंडिया में जो सबसे लोगों की भलाई के लिए तो काम, तो ठीक है भाई साहब, इंडिया लंबा चौड़ा भी बहुत है, ट्रेनें अगर ना हो तो भाई साहब वैसे ही पेट्रोल डीजल की इतनी खपत हो जाए, फिर तो काम ही ना चले, इतनी जगह से माल ले जाए, काम ही ना चले, इतनी खपत है, डबल डेकर से काम चला रहे हैं, चीजें नहीं होनी जितना ऊपर किराया बढ़ जा रहा है, तो ठीक है भाई, मिलते हैं वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाजत दें, अल्लाह हाफिज़।